अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? यकीनन खुश और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन ये स्पेशल बात ये है कि ये मुकम्मल मेरी अपनी बनाई गई रेसिपी है जो मैं अक्सर घर में अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। तो चलें इसलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको इसमें जो जो चीज़ें शामिल होती हैं या डाली जाती हैं मैं आपको उसकी तफसील बताती हूँ। हर किसी ने अपने अपने यानी कि चिकन कढ़ाई की रेसिपी अपनी रखी हुई है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले चिकन बताऊंगी। ये तकरीबन 1000 ग्राम है, एक कंप्लीट चिकन था, इसको मैंने पीस की सूरत में कट करवा दिया है। इसमें टमाटर जाएगा, इसके लिए 1/2 कप या 1 कप ऑयल तेल होगा, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, प्याज, दही, लहसुन, अदरक, इसकी क्वान्टिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी, कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा, गर्म मसाले 2-3 मैंने लिए, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक इस्तेमाल करते हुए हम इसको तैयार करेंगे। तो चले बनाते हैं। चले, आपने अक्सर देखा होगा आप घर में भी टमाटरों को या तो छिलके के साथ कट करती हैं या छिलके उतार के फिर इसको कट करते हैं। आज मैं आपको जो मैं करती हूँ मैं उसका बताती हूँ आपको। मैंने देखती हूँ पहले से 1 टेबल स्पून ऑयल तेल और 1 टेबल स्पून पानी डाला है और अब हम इसमें टमाटरों को डाल देंगे, चारों टमाटरों को डाल देंगे और इसे स्टीम देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हल्की आंच में आप 15 से 20 मिनट इसको स्टीम दें, फिर इसका छिलका उतारेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। 15 मिनट में हमने टमाटर को स्टीम दिया, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, ये देखिए आपको दिख रहा है ना। अब हम इसको अपने प्लेटर में टमाटर को निकालते हैं। हमने टमाटरों को अभी जब तक ठंडा नहीं होता, ठंडा होने के बाद छिलका इसको उतारेंगे, जब तक हम तेल डाल के प्याज को अपने ब्राउन कर लेते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप के बराबर, आप अगर तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता आप तेल ज़्यादा डाल दें, मैंने 1/2 कप से थोड़ा ऊपर डाला है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा इसके लिए मैं पहले क्वान्टिटी नहीं बताया था, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और इसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च, 2 छोटे छोटे इलायची के दालचीनी के टुकड़े और 3 दाने लौंग है, ये भी हम लोग इसी पॉइंट में इसको डाल देंगे। यानी प्याज के साथ इसको तमाम मसालों को फ्राई करेंगे, गरम मसालों को। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, बिस्मिल्लाह। मैंने कढ़ाई में चॉप प्याज लिया है इस वजह से ताकि इसको गलने में ईजी रहे। आप चाहें तो स्लाइस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्याज जल्दी गल जाते हैं तो आप इनको फ्राई करके इसमें चिकन डाल दें, वरना हल्का सा पानी डाल के ब्राउन होने के बाद 2 मिनट का स्टीम दें ताकि प्याज सही करके गल जाए और आपका बैटर जो बने कढ़ाई के लिए वो स्मूथ हो। हमारे प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसमें 2-3 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक की क्वांटिटी ये देखें, मेरे 1 हरी मिर्च डाल के लहसुन अदरक तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये लहसुन 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून और अदरक 1 टेबल स्पून, यानी टोटल ये 2 टेबल स्पून है। आप इसको इसमें डाल दें। चले, अब देखिए इस पॉइंट पर हमने लहसुन अदरक भी भून लिए इसके साथ। अब हम इस पॉइंट पे जाके नमक डालेंगे। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी ये मैंने तकरीबन 1 मीडियम प्याज चॉप किया था और इसमें नमक इस पॉइंट में ये टोटल 2 टेबल स्पून है। आप ज़रा सा आप समझ 1/2 टीस्पून के बराबर आप इसमें नमक ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसको चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें इस पॉइंट पर चिकन का इस्तेमाल करेंगे, हम चिकन डाल देंगे। हम तकरीबन चिकन को तकरीबन पहले भूनेंगे, हल्की आंच बाद में रखेंगे, पहले तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें आपको बता दें करना क्या है। 4 से 5 मिनट में इसे तेज आंच पे भूनना है और इसमें जाके पॉइंट पे जाके आप इसमें ब्लैक पेपर का ये तकरीबन 1/2 टीस्पून काली मिर्च, आप काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे
और इसको तकरीबन तकरीबन और तेज़ आंच पे नहीं भूनना, 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दे ताकि ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, तेल ये सब यकजान हो जाए। ब्लैक पेपर, नमक सब डाल दिए थे हमने, आपने देखा। अब हम इसको तकरीबन तकरीबन 5 मिनट, 5 मिनट हल्की आंच पर रखते हैं। इसके बाद हमने जो टमाटर स्टीम दिए थे उसको हम छिलका उतारते हैं। ये देखिए हमने स्टीम दिया था टमाटरों को, अब इसकी स्किन हम रिमूव करते हैं। मैंने 1 kg के करीब, यहाँ 1000 ग्राम चिकन लिया था, इस पर 4 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 4 से ज़्यादा भी टमाटर डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। चलो अब हमें स्किन को रिमूव करते हैं। हमने तकरीबन इसको हल्की आँच पे 5 से 7 मिनट या 6 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे, आपके चिकन के ऊपर है इसको रखा है। अब हमने इसमें ऐड करेंगे इस पॉइंट पे दही। दही को हल्का सा विस्क कर दें। ये तकरीबन तकरीबन 250 ग्राम दही ले लें आप, या अगर कप का मेजरमेंट करें तो हाफ कप दही ले लें और इसको इसमें ऐड कर दें। अब हम इसको तेज़ आँच पे थोड़ा भूनेंगे और फिर इसके बाद जाके इसमें हम टमाटर का ऐड करेंगे। अब हमने दही के साथ चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट भूना है। अब इस पर ये पिसा हुआ धनिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच खाने वाले, आप इसमें इस स्टेज में पॉइंट में डाल दें। 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून आपके टेस्ट के हिसाब से कुटी लाल मिर्च ये आप डाल दें। और इस स्टेज में थोड़ा सा और नमक, मैंने टोटल 2 टीस्पून नमक लिया। इसको हर स्टेज में, हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें आप नमक डाल दें। अब इसको हल्का सा भूनेंगे, भून के पीछे हम इसमें टमाटर मिला देंगे। मैं तकरीबन चिकन में मसाला डालने के बाद 2 मिनट तकरीबन हाई फ्लेम में इसको भूना है। अभी हम इसमें जो टमाटर मैंने 4 स्टीम दिए थे इसको मैं छिलके उतार के इसको कट कर दिया। अब हम इसको इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे और पहले 2 मिनट इसको हाई फ्लेम में इसको भूनेंगे और इसके बाद इसको थोड़े हल्की आँच में हम रखेंगे। हमने तकरीबन 4-5 मिनट हाई फ्लेम में इसको भूना है। इसके बाद तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पे रखा टमाटरों के साथ। आप देख लीजिएगा आपका चिकन जैसे कभी होता है, चिकन के पीस छोटे होते कभी बड़े, आप बस ख्याल कीजिएगा कि चिकन पीस के पीस टूटे नहीं। इस स्टेज में जाके, इस पॉइंट में जाके मैंने नमक का थोड़ा सा और एडिशन कर दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक। इसके अलावा ये कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डालेंगे। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, पिसा हुआ घर का है, वो किस वक्त मैं आपको बताऊंगी। 1/2 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, ये भी मेरे घर में खुद तैयार किए, आपको मैं बातें किस वक्त बताऊँगी। इसको हल्का से हिला के इस पर 4-5 से 5 दाने हरी मिर्च, ये देखिए पुदीना, ये ऑप्शनल है लेकिन इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दम में। अब हम इसको तकरीबन 7 मिनट हल्की आँच पर दम देंगे। धनिया एंड में गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालूंगी और ये अदरक के टुकड़े। अब हम इसको तकरीबन 7 मिनट थोड़ा सा भूनने के बाद 5 से 7 मिनट इसको हल्की आँच में दम देते हैं, फिर मिलते हैं। चले देखें, मैंने इसको कुछ देर हल्की आँच पर रखी, आप तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हल्की आँच पर रखिए और इसके बाद चेक कीजिएगा अगर आपके चिकन गल गए। मेरी आज की रेसिपी चिकन कढ़ाई जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ वो रेडी हो गए हैं। ऊपर से फिर मैं हरी मिर्च और हरा धनिया और थोड़े से कटे हुए अदरक डाल दिए। अच्छा, आप मसाले अपने तरफ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप मसाला तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम खाते हैं तो कम कर दें। मेरे बस आपको अपने तरीके से बनाने का तरीका सिखाया है। आखिर में फिर मैं कहूँगी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिए। आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में फिर वही बात, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और एक छोटी सी प्यारी बात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया, बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है
जैसे कि नबी पाक की दुआ उम्मत के लिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफिज़।